नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एस्केटिंग लेसन पर। सो यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के ऊपर बहुत ही बढ़िया, और क्या बोले, बढ़िया है या गुड न्यूज है, बैड न्यूज आप लोग डिसाइड कीजिएगा। एक अपडेट आ रखी है तो उस बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे हो, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बचे हुए छात्रों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद मिलेगा पैसा। मैंने ऐसा लिखा हुआ है, आपको थंबनेल में ये दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली है किसके लिए, पहले ही यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आप ऊपर थंबनेल में देख पा रहे हो यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के ऊपर अपडेट है। जो 22-23 के बचे हुए छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये उसके ऊपर अपडेट है। क्योंकि आप लोग लगातार पूछ रहे थे सर कि जो 22-23 के छात्र हैं उनको अब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये जो अपडेट है उसी के ऊपर है। उन्हीं के लिए अपडेट जो है कि DW की तरफ से, अधिकारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से अपडेट आई है कि पैसा क्यों नहीं आया है, आएगा ये भी है, और कैसे आएगा वो भी सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सारी चीजें जो भी अपडेट है पूरा डिस्कस करूंगा आपको। वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि मैं चीजें पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए कीजिए या ना जाए जाए इस वीडियो में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप की अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, अब लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी चैनल पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से भी जुड़ जाना है। तो चलिए चलते हैं, इस जो अपडेट आ रखी है उसको देखते हैं। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे इस तरफ, वो तो क्या अपडेट है देख लीजिए। बेसिकली तो अपडेट ये आ रखी है, ये दिखाता हूँ आपको, न्यूज जो आया हुआ है उसको उसी से आपको अपडेट भी दिखाता हूँ। तो ये न्यूज आपको दिखा रहा होगा हिंदुस्तान की है, केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़ा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक और आपको न्यूज दिखाई दे रही होगी, आज के अमर उजाला का है और वो कल के हिंदुस्तान का है। कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन, ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पर छोटे में एक और चीज आपको दिखाई दे रही होगी, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में अब नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा। मतलब जो ये न्यूज आप देख रहे होंगे कि अल्पसंख्यक योजना में नहीं हो सकेगा, और जो हिंदुस्तान का ये वाला न्यूज है, वो दोनों एक ही चीज को कवर करते हैं और वो आपसे जुड़ा हुआ ही है। जो 2022-23 का मैटर है उसी के ऊपर है कि छात्रवृत्ति का क्या मैटर है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, आपको चीजें जो है कि समझ में आ जाएंगी। लखनऊ विशेष संवाददाता ये है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में ये सारा आ जाता है, जो SC ST वाले हैं, माइनॉरिटी हैं, ये आ जाते हैं इसके अंदर, इस मंत्रालय के अंदर। तो SC ST की छात्रवृत्ति आपको मालूम है कि आनी है, मैंने आपको हर बार बताया ये वही चीज है, SC ST की रुकी हुई है। तो जो कल्याण मंत्रालय उनका SC ST का अल्पसंख्यक, उन्होंने उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्य, ये केंद्र से आपको ये बात, और यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ यहीं पर आप, हालांकि मैं बता चुका हूँ कई बार कि जो पैसा होता है SC ST की छात्रवृत्ति का, वो कुछ परसेंटेज जो है कि राज्य सरकार देती है, जैसे 40% SC के केस में राज्य सरकार देती है और 60% जो है केंद्र सरकार देती है, और वहीं ST के केस में 25% राज्य सरकार, बाकी का 75% केंद्र सरकार। यानी कि जो बड़ा अमाउंट है वो आपको केंद्र सरकार से मिलता है। तो ये जो अमाउंट है, बड़ा वाला अमाउंट है, इसी के कारण जो पैसा रुका हुआ है केंद्र सरकार से रुका हुआ है, ये उन्होंने कुछ घोटाला पकड़ा है उसके कारण ये होल्ड पे चला गया। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति और फीस भरपाई योजना में फर्जीवाड़ा पकड़ा है, जांच CBI को सौंप दी गई है, CBI को जांच दी गई है। उत्तर प्रदेश के 7,121 शैक्षिक संस्थानों, मतलब जो टोटल स्कूल कॉलेज हैं वो कितने हैं, 7,121 हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 3,92,132 छात्र छात्राओं को पिछले शैक्षिक सत्र 2022-23, देखो मैं बोला था ना कि 22-23 के ऊपर बात की जाएगी, तो जो पिछला सत्र यानी कि 2022-23 का जो छात्रवृत्ति है उसको जो है कि भुगतान रोक दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है ना, आप लोग पढ़ भी पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम करता हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में कि उत्तर प्रदेश के इतने शैक्षिक संस्थानों के 3,92,132 छात्र छात्राओं की पिछले शैक्षिक सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का भुगतान भी रोक दिया गया। मतलब आप लोग की जो छात्रवृत्ति का भुगतान होना है उसको रोक दिया गया है। अब इनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही छात्रवृत्ति का जो है कि छात्र, देखो यहाँ लिखा है ना, छात्र छात्राओं को यह भुगतान किया जाएगा। मतलब जो होल्ड पे किया है, रोक दिया गया है आप लोगों का, कितने छात्रों का, 3,92,000 का, उनका भुगतान होगा, अभी रोका गया। लेकिन कैसे होगा, जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पढ़ भी पा रहे होंगे, वही चीज लिखी हुई है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही छात्रों को भुगतान किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2020-21 में हुए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के भुगतान के आंकड़ों को, वही आगे बाकी वो चीजें लिखी हुई है कि कैसे क्या हुआ है, मतलब जो घोटाला हुआ उसके बारे में। जो मेन काम था वो यहीं पर थी, जो हमारी काम की न्यूज थी वो यहीं से लेकर वो यहाँ पर थी थोड़ा आगे तक, कि बेसिकली ये लिखा हुआ है इसमें कि आप लोगों का जो भुगतान रुका है SC ST वालों का, वो घोटाले के कारण रुका हुआ है, और उसका भुगतान ये लोग करेंगे कब, जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप लोग का हो जाएगा तब। अब अमर उजाला वाले में क्या निकला हुआ है, सेम चीज वही लिखी हुई है, यहाँ पर भी आप लोग पढ़ लीजिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। योजना को फुल प्रूफ बनाने के लिए प्रदेश के सभी इतने 7,121 शिक्षण संस्थानों, संस्थाध्यक्ष और छात्रवृत्ति में आवेदन करने वाले 3,93,132 छात्र छात्राओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पहचान कराने की तैयारी की गई है।
मतलब इसकी तैयारी भी वो लोग कर चुके हैं, बायोमेट्रिक पहचान। अब यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि है क्या बेसिकली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका थंब लगा के आपका जो है कि तब वेरीफाई किया जाएगा कि आप वही छात्र हो या नहीं। जैसे आपको मालूम होगा कि बैंक से आप पैसा भी निकाल सकते हैं अंगूठा लगा के आपके आधार कार्ड के बेसिस पे। बेसिकली ये आपका जो है कि बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि आई से या फिर थंब से या इन किसी चीज से जो है कि आपको पहचान कराई जाए तब छात्रवृत्ति दी जाएगी। उससे क्या होगा, कोई घोटाला होने का चांस नहीं होगा। अगर मेरा नाम अजीत है, मैंने अंगूठा लगाया, तो मेरा नाम ऑटोमेटिक अंगूठा लगाने के बाद अजीत ही आएगा, कुछ और नाम नहीं आएगा। तो बेसिकली ये चीज करेंगे। तो अब इसकी तैयारी ये लोग कैसे कर चुके हैं, अब ये मुझे तो नहीं पता, यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हो कि छात्राओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पहचान कराने की तैयारी भी कर ली गई है। अब आपको इसमें करना क्या है, ये होगा कहाँ, जहां तक पूरी उम्मीद है कि आपके स्कूल कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हैं उसी में होगा, उसके अलावा तो कोई तरीका और है नहीं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप देखो, आप स्कूल कॉलेज से जुड़े रहिए वहां पर ही लोग आएंगे करने, या कुछ और तरीका, तो जो भी तरीका हो मैं तो अपडेट आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि जितने लोग बचे हुए हैं उनका बायोमेट्रिक होगा तभी पैसा दिया जाएगा। मतलब आप लोग की छात्रवृत्ति फिलहाल होल्ड पे है घोटाले के कारण, तो बायोमेट्रिक जब हो जाएगा उसके बाद आपको जो है कि छात्रवृत्ति का अपना भुगतान आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई ये वाली न्यूज जो 2022-23 की जो है कि छात्रवृत्ति की थी कि बायोमेट्रिक के कारण रुका हुआ है। बायोमेट्रिक मतलब आपका जब बायोमेट्रिक मतलब वही अंगूठा या फिर रेटिना, ये सब स्कैन करने के बाद जब आप वेरीफाई हो जाओगे तो छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये तो हो गई 22-23 की। अब 23-24 की भी यहीं पर आपको दिखाई देगी, कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त से जो है मांगे गए हैं। तो आज ऑलरेडी आपको मालूम है 5 अगस्त हो गए हैं, 5 दिन बाद से जो है कि आवेदन शुरू हो जाएगा 9-10 का। तो जो मैंने आप लोग को आधार कार्ड वाला वीडियो में बताया था कि आधार कार्ड में जो चेंजेस कराने थे वो आप लोग को करा लेना है, सारे लोग को करा लेना है आधार कार्ड को। इस बार काफी ज्यादा आप न्यूज में देख चुके होंगे, हालांकि हर अखबार में हर जगह पे आपको वो चीज देखने को मिल रही होगी। उसका रीजन ये है कि बड़े लेवल पे उस बात को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो चीज आपको करा लेनी है। उसके बाद 10 अगस्त से आपको लगातार वीडियोस तो मैं आपको बताता ही रहूंगा कैसे फॉर्म भरना, क्या क्या गलतियां, वो सारी चीजें इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए इस बारी वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए।